फिल्म 16 यीशु ने दुख उठाया। प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत काम करे हैं। बहुत तो सारे आदमियां उसके पीछे हो लिए, फिर भी जब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम सब पापी हो, तो वे जो पापी थे उनने उससे घृणा करी। उन आदमियां के सरदार इश्रियालु थे, उन्होंने जहां भी नहीं मन्ना के परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, और उनने उसने पकड़वाया, उनके विरुद्ध झूठ बोला और मारा। उसने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और क्रूस पे उठाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इसका विरोध नहीं करा, कहने के वो जानता था कि ऐसा होगा। उसके दुख उठाने की पीछे ईश्वरीय योजना था। फिल्म 17 यीशु क्रूस पे लटकाया गया। तुरंत प्रभु यीशु मसीह नु क्रूस पे चढ़ाया गया, और तब तक उसने चढ़ाए रखा जब तक वह मर नहीं गया। उसके संग दो अन्य अपराधियों ने भी उसी के प्रकार मृत्यु का दंड दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई भी अपराध नहीं करा था। वो जगदा के पाप का दाम चुकाने के लिए बलिदान हुआ। फिल्म 18 पुनरुत्थान। प्रभु यीशु के दुश्मनों ने सोचा कि उसनु नाश कर दिया जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं था। प्रभु क्रूस पे मरने के पश्चात उसके दोस्तानु मृत्यु देह नु गुफा में रखा, और गुफा के द्वार उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। दो दिन के बाद बीत गए, तीसरे दिन प्रभु पुनः जी उठा। जब कुछ स्त्रियां कब्र खोदने आई तो उन्हें देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ और यीशु वहां नहीं है। वो स्वर्गदूत उनसे संदेश देने नु बैठा था कि वो जहां नदियां पे जाए जहां पे यीशु मसीह जिंदा है, उसने स्पष्ट कर दिखाया कि वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो शैतान और मृत्यु से बढ़कर सामर्थी है। फिल्म 19 थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने कई दोस्तों ने देखा, उसने बोला, उसके संग खाना खाया। थोमा ने शिष्य भी था, उस पे विश्वास न कर सका। वो कहने लगा, जब तक मैं अपने हाथ से उसके खाव नु नहीं छुआंगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करांगा। फिर भी यीशु मसीह एक बंद कमरे में उसने दिखाई दिया। थोमा का सब संदेह खत्म हो गया। वो तो यीशु ने चरणा से गिर गया, कहने लगा, मेरे प्रभु। यीशु ने कहा, वे धन आदमी है जिन्होंने मिन्नू देखा भी नहीं और मेरे ऊपर विश्वास कर लिया। फिल्म 20 स्वर्गरोहण। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जी उठने के बाद प्रभु यीशु बहुत आदमियों नु दिखाई देने लगा और उसने गवाही दे दी कि वो जीवित है। इसके बाद प्रभु यीशु ने अपने पिता के धोरे जाने की तैयारी हो गया। कहनु के वो जिस मारे आया था वो कम पूरा कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से कहा कि तुम इस बात नु सबसे बताइयो, जैसो चेलो ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत को छोड़ के जा रहा है, तो फिर स्वर्गदूत प्रस्तुत हुए और कहा कि जैसा प्रभु यीशु मसीह छोड़ के गया है उसी प्रकार वो फिर से दोबारा लौटे जरूर आएगा। फिल्म 21 खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पे कहेनु मरा। प्रभु यीशु अपानु पाप से दंड के बचाने के लिए क्रूस पे मरा। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं करा था, लेकिन वो उन पापानु उठाने के लिए मरा जो अपानु परमेश्वर से अलग कर दे। वो क्रूस अपानु याद दिलांदा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर नु निष्पाप मेमना था जो अप्पा के मारे बलिदान हुआ। जब अप्पा प्रभु यीशु नु पे विश्वास कर दे हा, तो वो अपने पाप नु त्याग दिंदा है। तब अपा सारे पाप क्षमा किए जाने हैं और अप्पा परमेश्वर नु ध्यान लगाए के उसका घटाने का सदस्य बन जाने हैं। फिल्म 22 दो मार्ग। प्रभु यीशु ने अपनु शिक्षा दी कि अपने जीवन में दो मार्ग और दो अंतिम परिणाम है, और वो आदमी जिसने प्रभु ने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा, जो पाप के चौड़े मार्ग पे है वो, और मौत के नरक मार्ग पे अंतकालीन सजा की ओर जो ले जाती है, जहां तो आदमी का स्वभाव है कि परिणाम है।
अपना जन्म और स्वभाव दोनों से ही पापी हाँ। यीशु ने कहा है, मैं द्वार हाँ, अगर कोई मनुष्य मेरे भीतर से होके आएगा तो उसका उद्धार मैं करांगा। संकीकरण मार्ग से चलने वाले नु पाप करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। कहनु के उनके पाप नु यीशु मसीह ने क्रूस पे बहाए गए तथा धोए गए हैं। इसका विकल्प जहाँ है कि अपा यीशु के पीछे आना चाहते हैं, तो अपा नु प्रार्थना करते समय जहाँ कहना है, हे प्रभु, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों की सजा क्रूस पे तू मरा है, मिन्नू क्षमा कर और मेरे दिल नु पापों से शुद्ध कर, आप मिन्नू अपने परिवार का सदस्य बना ले, मैं यीशु के पीछे आना चाहता हूँ और मरने के बाद मैं तेरे पास स्वर्ग में आना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यदि आप ईमानदारी से प्रार्थना करे हो और यीशु मसीह पे विश्वास कर दे हो, तो अपा रास्ता मार्ग अपनु जरूर मिलेगा और वह दिल के विचारानु इच्छानु जानता है।